In this video, I'm going to discuss about anatomy of larynx. In my previous video, I have already discussed about pharynx and nose. So, larynx एक short passageway है जो laryngeal pharynx को trachea से connect करता है. It is part of upper respiratory tract located in front of the neck, opposite 3rd to 6th cervical vertebrae. It acts as an organ of phonation and prevents the foreign bodies to enter the respiratory tract. तो ये वाला जो हिस्सा है, pharynx के नीचे का वो larynx है, और trachea के ऊपर, ठीक है? आप इस पे भी देख सकते हैं, gross anatomical structure है ये. तो ये वाला जो हिस्सा है कार्टिलेजिनस हिस्सा वो लैरिंग्स है. सो लैरिंग्स में कुल 9 कार्टिलेजेस हैं. लैरिंग्स टोटल 9 कार्टिलेजेस से मिलकर बना है. इसमें से 3 कार्टिलेज अनपेयर्ड हैं और बाकी के 3 पेयर्ड हैं, यानी कि 3 और 3 पेयर्ड, यानी 3 × 2 6 कार्टिलेज और 3 कार्टिलेज मिलके हो गए 9 कार्टिलेज. तो अनपेयर्ड ये 3 कार्टिलेज में कौन कौन से हैं? एपिग्लॉटिक कार्टिलेज जो कि येलो इलास्टिक टाइप है, और थायराइड कार्टिलेज हाइलिन टाइप है, एंड क्रिकोइड कार्टिलेज हाइलिन टाइप है. पेयर्ड कार्टिलेज अरेटिनॉइड हाइलिन, मेनली हाइलिन टाइप है अरेटिनॉइड, बट थोड़ा इलास्टिक भी, येलो इलास्टिक भी है. कॉर्निक्यूलेट ये येलो इलास्टिक है, एंड क्यूनिफॉर्म येलो इलास्टिक कार्टिलेज है. तो आप ये इमेज में देख सकते हैं कैसा दिखता है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. तो पेयर्ड कार्टिलेजेस में हमने देखा सबसे इम्पॉर्टेंट है अरेटिनॉइड कार्टिलेज. पेयर्ड कार्टिलेज में अरेटिनॉइड कार्टिलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वोकल फोल्ड्स के पोजीशन एंड टेंशन को यह इन्फ्लुएंस करता है. तो क्योंकि लैरिंग्स का मेन काम है फोनेशन, ये इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है. उसके बाद थायराइड कार्टिलेज, जिसमें सबसे बड़ा कार्टिलेज है. इसके 2 एंटीरियरली निकले हुए लैरिंजियल प्रोमिनेंस को एडम्स एप्पल कहते हैं. आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो निकला हुआ हिस्सा है वो एडम्स एप्पल कहलाता है, उभार जैसा. मेल्स में ये बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. एपिग्लॉटिस स्वॉलोइंग एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को, स्वॉलिंग के टाइम रेस्पिरेटरी पैसेज को ढकता है एपिग्लॉटिक, एपिग्लॉटिस. आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं. सो बस कितना ही था लैरिंग में, और ज़्यादा कुछ पढ़ने नहीं है. पूरा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखिएगा. एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड हियर इज द कोट. करेज इज नॉट एन ओकेजनल एक्ट बट अ ट्रेट ऑफ चॉइस एंड विल. साहस कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह चॉइस और विल से बना एक लक्षण है. आपका विल पावर कैसा है, आपकी चॉइसेस कैसी है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि आप कितने करेजियस हैं. मान लीजिए आपको कोई स्टेज फियर है, आप स्टेज में जाने से बहुत डरते हैं, पर आपको कॉलेज में एक दिन पहले कोई स्पीच बोलने के लिए कहा गया, तो आप अगर अच्छी विल पावर वाले इंसान हैं, पॉजिटिव सोचने वाले इंसान हैं, आप सही चॉइस करते हैं और अच्छी इच्छा शक्ति रखते हैं कुछ भी काम को करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक अच्छी सी स्पीच रेडी करेंगे. अब चूँकि आपने अच्छी सी स्पीच रेडी की, प्रैक्टिस की, तो आप हिम्मत करके भले ही कांपते हुए स्टेज में जाएंगे, पर हिम्मत करके बोलेंगे. तो ये करेज ऑटोमेटिक प्रैक्टिस से डेवलप हुआ. आपने मेहनत की, किसी भी काम करने की इच्छा शक्ति दिखाई, इसलिए आप में इतना करेज आया कि आप स्टेज में जा सके, बोल सके, चाहे कैसे भी बोले, लेकिन बोले. तो यही है करेज, यही है साहस. साहसी वही लोग बन पाते हैं जिनमें अच्छी इच्छा शक्ति होती है किसी भी काम को करने की. अगर आप डरते रहेंगे तो डरते रहेंगे, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो आप साहसी नहीं बन पाएंगे. इसलिए पॉजिटिव थॉट्स को अपने पास रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव पीपल्स के अराउंड रहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा कीजिए. थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड.